फाइनली दोस्तों, वो दिन आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जो है आपका नेटो में जो कंपटीशन हुआ, जय भोले और डीजे ब्लैक के बीच का रिव्यू, तो बहुत कोई जानना चाहते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या। और वीडियो एक्चुअली में बहुत लेट से आ रहा है, क्योंकि आप लोग को जो हम लोग का झारखंड से है उनको पता है कि हमारे यहाँ नेटो में जब कंपटीशन हुआ उसके दूसरे दिन से ही 2 दिन के लिए नेट बंद था। यानी कि आप बोल सकते हो कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एग्जाम चल रहा था सीजीएल का, इसके चलते तो थोड़ा सा वीडियो भी लेट में आ रहा है, बरसात भी हो रहा है और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है। इसीलिए तो आज का टॉपिक रहेगा आपका नेटो में जो कंपटीशन हुआ है उसका रिव्यू। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, वहाँ पे जो सेटअप लगा हुआ था वो दोनों का ही इक्वल सेटअप था, यानी कि 15-15 बेस वाला सेटअप। जो कंपटीशन दोनों के बीच मोटा मोटी 3 घंटा चला, और आप देख सकते हो कितना जबरदस्त कंपटीशन हुआ दोनों के बीच। काफी अच्छा रहा कंपटीशन, किसी को कोई मनमुटाव नहीं हुआ कंपटीशन में कि वो चले गया ये चले गया। दोनों को अच्छा खासा टाइम मिला कंपटीशन का, और दोनों को अपना अपना हुनर दिखाने का भी अच्छा खासा मौका मिला। और बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रोड शो का, तो रोड शो में तो उस टाइम नहीं थे, क्योंकि जब ब्लैक का रोड शो हो रहा था उस टाइम हम लोग जय भोले का साउंड चेक सुन रहे थे, और वहीं पे इतना लेट हो गया कि ब्लैक का रोड शो नहीं कवर कर पाए, इसीलिए आपको रोड शो के बारे में नहीं बता सकते हैं। और रहा बात जय भोले का रोड शो, तो उस टाइम भी नहीं थे, क्योंकि जब जय भोले का साउंड चेक हो रहा था तो बहुत पब्लिक लोग, यानी कि बहुत भाई लोग को डीजे ब्लैक का भी सेटअप देखना था, और बहुत सारा कमेंट आ रहा था लाइव में, जिसके चलते हम जब साउंड चेक खत्म हुआ और जय भोले का रोड शो हुआ, उस टाइम हम डीजे ब्लैक का कवर करने के लिए डीजे ब्लैक के सेटअप के पास गए, जिसके चलते हमको जय भोले का रोड शो नहीं देखने मिला। जय भोले का साउंड चेक के चलते ब्लैक का रोड शो नहीं देखने मिला, ब्लैक का साउंड क्वालिटी सुनने के चक्कर में जय भोले का साउंड चेक नहीं सुना, जय भोले का रोड शो नहीं देखने मिला। तो ऐसा रहा रोड शो का अपडेट। फिर आपको बताते हैं दोनों ही सेटअप में लाइटिंग कैसे था। तो दोस्तों, लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग में एक तरफा आपका ब्लैक का बढ़िया था, जय भोले के कंपैरिजन में डीजे ब्लैक का लाइटिंग सिस्टम काफी अच्छा था। जय भोले का अब हड़बड़ी में नहीं हुआ, कुछ भी हुआ वो नहीं पता, बट जय भोले का लाइटिंग उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का उनका होना चाहिए था इतना बड़ा रोड शो और कंपटीशन में। तो रहा दोस्तों ये आपका लाइटिंग सिस्टम का, तो लाइटिंग सिस्टम में डीजे ब्लैक का काफी अच्छा खेल के आ रहा था, जो भी वहां पे लाइव देख रहे थे उनको तो ये चीज पता ही है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल कंपटीशन का, कि कंपटीशन कैसे हुआ, कंपटीशन कितना देर तक हुआ, ये तो आपको बता चुके हैं कि 2 से 3 घंटा कंपटीशन चला। अब बात करते हैं कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन का बात करने से पहले थोड़ा सा दोनों का सेटअप साउंड क्वालिटी बात कर लेते कि कैसे था। सबसे पहले बात करें मेहमान डीजे, जो कि अपना ब्लैक था, जो लालपुर वेस्ट बंगाल पुरुलिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका जब साउंड क्वालिटी हम सुनने काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मधुर आवाज में, यानी कि बहुत अच्छा बेस था, क्वालिटी काफ़ी अच्छा, मैंने ऐसा नहीं लग रहा था कि कान में चुभ रहा है, कि थोड़ा सा इरेटेड फील हो रहा है, कि अच्छा नहीं बजा रहा, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। तो आप सोच सकते हो हमको जब वहाँ पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो रोड शो उनका किस लेवल का हुआ रहेगा। रोड शो भी काफ़ी अच्छा, बस थोड़ा सा वहाँ का पब्लिक को ये चीज़ थोड़ा सा हम देखें कि उन लोग को इरेटेड हुआ कि गाना कलेक्शन। अब देखिए भैया, उन लोग का जहाँ पे सेटअप है, मैंने जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ पे हमेशा डीजे गाना चलता है, और उन लोग का हमेशा से एडीएम सॉन्ग पे ही रोड शो किए होंगे। लेकिन खासकर बता दें, जितने भी ऑडियंस हैं, जो चैबासा इलाका पड़ता है आपका, राजनगर चैबासा इलाका में पड़ता है, उस साइड में ज़्यादातर संथाली और हो गाना चलता है, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग, और पब्लिक सब बहुत कोई वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन डीजे ब्लैक के पास वो वाला कनेक्शन नहीं था, जिसके चलते थोड़ा सा पब्लिक पब्लिक तो नहीं बोल सकते, कमेटी वाले को दिक्कत हुआ है। और बात करें जय भोले का, तो उनका तो वो बोल सकते हो अपना होम ग्राउंड है, हमेशा उस क्षेत्र पे काम करते हैं, तो उनको बखूबी पता है कि वहाँ का पब्लिक को कैसे नचाना है, उनको अच्छे तरह से पता है कि उनको किस टाइप का गाना कलेक्शन चाहिए। तो उनका गाना कलेक्शन तो सिंपल ही था, क्योंकि रोड शो पे ज़्यादा पब्लिक एंजॉय करता है, और खासकर सेटअप को, दोनों ही सेटअप को कंपटीशन के लिए बुक किया गया था, जिसके चलते रोड शो पे ज़्यादातर फोकस जय भोले का लोगों को झुमाने के लिए ही किया गया था, क्योंकि सिंपल सा गाना बज रहा था, थोड़ा सा लास्ट में पहुंचे थे 2-3 गाना, तब पूरा सिंपल गाना बज रहा था आपका, हो गाना भी बज रहा था, संथाली भी बज रहा था। तो ऐसा रहा दोस्तों दोनों का साउंड क्वालिटी।
फिर बात करते हैं आप कंपटीशन का। तो कंपटीशन जो दोस्तों हुआ, बहुत कोई जो मेरा लाइव देखे हैं उन लोग को पता है कि क्या हुआ था, और जो लोग लाइव मेरा नहीं देखे, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में तीनों ही कंपटीशन का वीडियो और लाइव का वीडियो सबका आपको लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों जब ब्लैक का बेस मारा था ना कंपटीशन में एकदम मस्त, लेकिन जब जय भले का बेस मारता है तो ब्लैक का बेस गायब हो जाता है। ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है कि कंपटीशन एक तरफा हो रहा था, तो ऐसा फील था वहां पे। ब्लैक भी काफी अच्छा कंपटीशन किया, 3 घंटा अच्छा खासा कंपटीशन किया वो भी, लेकिन जब जय भोले का थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, थोड़ा नहीं ज्यादा ही ज्यादा था, तो एक तरफा सा कंपटीशन तो हुआ, लेकिन ब्लैक को थोड़ा सा दाद देना पड़ेगा कि इतना बड़े लेवल का डीजे के साथ आप कंपटीशन किए और काफी अच्छा कंपटीशन किए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका रोड शो बाद में जो हुआ वो भी काफी अच्छा था, ऐसा नहीं कि पहले कंपटीशन में सब माल फूंक दिए फिर बाद में कुछ बजा ही नहीं, ऐसा नहीं था। उनका सेटअप काफी अच्छा रिस्पॉन्स के साथ सेकेंड रोड शो भी किया, और रोड पे जब बज रहा था उस टाइम भी बहुत अच्छा बज रहा था, और उम्मीद था दोबारा कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन नहीं हुआ क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के बाद लोगों में इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया कि अब और क्या कंपटीशन हुआ, मैंने कंपटीशन होगा। और डीजे ब्लैक काफी कोशिश किया कंपटीशन को जीतने के लिए, हर एंगल से गाड़ी को नहीं भी मोटा मोटी 5 बार एंगल चेंज किया। पहले दूर था, फिर सामने किया, पहले थोड़ा सा तिरछा था, फिर सीधा किया, फिर सीधा किया, हर एंगल से कंपटीशन को जीतने का कोशिश किया कि मेरा कहीं ना कहीं कोई सा एंगल ऐसा बनाए जिससे उन पे दबाव डालें। लेकिन जय भोले का काफी तगड़ा वाला रिस्पॉन्स था, जिसके चलते कंपटीशन तो बोला जाए एक तरफा हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डीजे ब्लैक काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया अपना बढ़िया क्वालिटी के साथ। और उम्मीद है आगे भी डीजे ब्लैक और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ही शुभकामनाएं देते हैं उनको। और बस अभी इतना ही इस वीडियो में, लगता है हमको ये रिव्यू आप लोग उतना खास पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम भी थोड़ा सा हड़बड़ी में वीडियो बना रहे हैं और बाहर तो बारिश हो रहा है, इसके चलते वीडियो हमको घर के अंदर पे ही शूट करना पड़ रहा है, और पसीना भी हो गया हमको पूरा भयंकर। इसीलिए अभी के लिए बस इतना ही, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए अपने भाई के लिए, और चलिए मिलते हैं फिर और कभी एक नए वीडियो पे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।